मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की बहोड़ापुर पुलिस ने एक ऐसे वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसका सरगना शहर के प्रतिष्ठित माधव इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड साइंस कॉलेज यानी कि MITS कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच का छात्र रहा है, जबकि उसके दो साथी सामान्य परिवारों से संबंधित हैं। सरगना के दो साथी मुरैना के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 24 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। सरगना युवक अपने साथियों की मदद से मास्टर की लगाकर मोटरसाइकिल को खोल लेता था और उन्हें गांव देहात में बेहद कम कीमत पर बेच देता था। पुलिस अब इस गिरोह के 3 सदस्यों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रही है और कुछ और वारदातों से पर्दा उठने की उम्मीद कर रही है। सरगना इंजीनियरिंग छात्र 3रे साल के बाद पढ़ाई छोड़ चुका है और गलत संगत में पढ़कर मोटरसाइकिल चोरी करने का कारोबार करने लगा था। पुलिस ने दरअसल टंकी वाले हनुमान मंदिर के पास से इस गिरोह के एक सदस्य को पिछले दिनों बाइक चोरी करते हुए पकड़ा था। पूछताछ में इस गिरोह से पर्दा उठता चला गया और एक एक करके 24 मोटरसाइकिलें बदमाशों के कब्जे से बरामद हो गई। इनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। सरगना के पिता भी सरकारी सेवा में हैं और पुलिस अधीक्षक ने गिरोह का पर्दाफाश करने वाली टीम को 10,000 रुपये के कैश अवार्ड से सम्मानित किया। बहोड़ापुर ने एक शातिर बाइक चोरों का गैंग पकड़ा है और उनसे 24 टू व्हीलर्स जब्त किए हैं। ये चोरी करते हुए इनको टंकी वाले हनुमान मंदिर के पास पकड़ा था और इंट्रोगेशन जब किया तो मुरैना से और ग्वालियर से कुल 24 बाइक जब्त हुई हैं। ये बहुत ही शातिर बदमाश हैं और इसमें ख़ास बात यह है, जो इनका सरगना है वो MITS में इंजीनियरिंग का छात्र रहा है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करते हुए उसने 3 साल वहाँ कंप्लीट पढ़ाई की, फिर गलत सोहबत में आ गया और अपराध के रास्ते में उतर आया। 2 अन्य लोग हैं और ये पूरी रैकी करके कि ये कहीं पकड़ में तो नहीं आ रहे हैं और उसके बाद ये बाइक चुराते थे और मुरैना में इसको ले जाके बहुत ही सस्ते दामों में बेच देते थे। इसके लिए ये कुछ पुरानी, जब इनका ये कहना था कि बाइक में कई बार चाबी लग जाती है तो डुप्लीकेट चाबी से खुलना आसान होता है, तो कई बार ये चाबी रखते थे अपने साथ और इस प्रकार इनके पकड़े जाने से जो बाइक चोरी हो रही थी उस पर अंकुश लगेगा। यद्यपि इनका भी PR लेके हम और पूछताछ कर रहे हैं और चूंकि ये लंबे समय से इसको पढ़ाई छोड़े समय हो गया है तो इस बात की भी बहुत संभावना है कि और भी कुछ अपराधों में ये टीम रही हो, तो इससे पूछताछ की जाएगी। और यहाँ बहोड़ापुर TI ने एडिशनल SP और CSP ने जैसा गाइडेंस दिया था उस आधार पे इनने और इनकी पूरी टीम ने थाने की बहुत अच्छा काम किया है,
तो इनको 10,000 रुपीस का कैश अवार्ड भी आज ही मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। और भी संभावना है, कुछ और लोग भी हो सकते हैं? नहीं, अब इसमें फिलहाल तो इन्होंने इतना ही बताया है और तीन ही लोगों का, पर अगर ढंग से पूछताछ अभी और करेंगे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ बाइक की रिकवरी और हो जाएगी। जिन लोगों ने चोरी गाड़ी खरीदी है क्या उनपे कार्रवाई बनती है? नहीं, उन पर अभी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली गाड़ियाँ तो इनके पास से रिकवर हो गई थी, और जो कुछ लेते हैं कुछ गांव के गरीब लोग हैं उनका हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि इन्होंने क्या उनको पेपर्स भी दिए थे या नहीं दिए थे, और अगर एविडेंस आएगा तो उस आधार पे हम कार्रवाई करेंगे। ये लोग कहाँ के रहने वाले आरोपी? दो आरोपी मुरैना के हैं और एक ग्वालियर का। क्या बैकग्राउंड इनका? मैंने आपको बताया कि जो एक इनका सरगना है वो, उसके जो पिता हैं वो भी गवर्नमेंट सर्विस में है, पढ़ा लिखा परिवार है, खुद इंजीनियरिंग का छात्र रहा है, फोर्थ ईयर में आके इसने पढ़ाई छोड़ दी, और बाकी एक आरोपी जो है वो बहुत ही लोअर इकोनॉमिक ग्रुप से है और एक मध्यम परिवार से। वॉइस ऑफ फ्राइड्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।